मैं हूं मोहम्मद हनीफ और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। शिद्दत से पढ़ी ईद उल अजहा की नमाज, मांगी अमन चैन के लिए दुआएं। कस्बा बबीना के ईदगाह समेत अन्य स्थानीय मस्जिदों में सुबह के वक्त ईद उल अजहा की नमाज अता की गई। इस दौरान ईदगाह पर पेश इमाम मौलाना इमरान साहब ने, बिलाल मस्जिद में कारी मुबीन साहब ने एवं आरा मसीन वाली मस्जिद पर मौलाना सत्तार साहब ने नमाज अता कराकर मुल्क में अमन और चैन के लिए दुआएं मांगी। नमाज के बाद सभी ने एक दूसरे के गले लगकर ईद की मुबारकबाद पेश की। वहीं ईदगाह पर बबीना रूलर प्रधान पुत्र गोलू यादव, वाइस चेयरमैन छावनी परिषद रवि भारती, समाजसेवी दीनदयाल पहलवान, दीपक अहरवार, प्रदीप यादव दादा, समाजवादी पार्टी के बबीना विधानसभा अध्यक्ष हरदयाल फौजी, चंद्र प्रकाश राय पहलवान, आरएस रजक आदि ने मुस्लिम बंधुओं को ईद की मुबारकबाद पेश की। इस अवसर पर बबीना थाना प्रभारी ईश्वर सिंह ने सुरक्षा की कमान संभालते हुए संपूर्ण कस्बे में सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए। उन्होंने ईदगाह पर यातायात को भी दुरुस्त रखा। जामा मस्जिद बबीना के सदर चांद खान मंसूरी ने पुलिस महकमे समेत स्थानीय प्रशासन और नगरवासियों का आभार जताते हुए सभी को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से शाहिद खान की रिपोर्ट।